तो भाई हम लोग हागिया सोफिया मॉस्क में आ गए थे, लेकिन नास्तिया को अंदर जाने की इजाज़त चाहिए, तो यहाँ पे कुछ स्कार्फ वगैरह बेच रहे हैं जो कि इस तरह नहीं जा सकती है। बेहतर है ना, बेहतर इन इजिप्ट। तो मेरे पता है तुमको एक से जहाँ मैं हूँ यूरोप में है, और इस जो काइंड ऑफ द सी है, जो ओशियन है, वो उसको डिवाइड करती है यूरोप और एशिया को। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ। क्या खा रही हो? स्वागत करता हूँ। क्या खा रही हो? अब कैसे हूँ? व्हाट आर यू ईटिंग? हाउ टू से इट? भुट्टा। भुट्टा? भुट्टा। भुट्टा। मैं भुट्टा इज नाउ खा रही हूँ। खा रहे हूँ। ये हो गया सुबह का इंग्लिश क्लासेस, सॉरी हिंदी क्लासेस। वैसे एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था और कुछ खाना पीना खाने के लिए वी डोंट चूज यट, आई लेट यू नो। एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे भाई साहब, और खाना पीना तो क्या खाऊं पता नहीं। बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन मेनू दिख रहा है यहाँ पे, और एक साथ में भुट्टा भी खाया जा रहा है यहाँ पे। वेल ऐसे आज मेरा लास्ट तुर्की में लास्ट दिन है। आज मैं एक्चुअली इंडिया के लिए निकल जाऊँगा। इंडिया में हालांकि सिर्फ एक दिन के लिए रहूँगा, एंड देन उसके बाद मैं चले जाऊँगा थाईलैंड के लिए। ऑलरेडी मेरा थाई पास आ गया, ऑलरेडी मैंने थाई बुक की टिकट बुक कर ली है, तो अब थाईलैंड जा रहा हूँ। ये प्लान है फिलहाल भी, एक और रशियन टूरिस्ट देश से अलग रशियन टूरिस्ट टेस्ट, ये प्लान तो है। चलो सबसे पहले खाना खाता हूँ, बाकी उसके बाद आपको थोड़ा मैं यहाँ का मॉस्क वगैरह भी दिखा दूँगा। तो भाई साहब नाश्ता ये खा रही है, अब तक कुक ही हो रहा है नाश्ता। व्हाई स्टिल कुक? व्हाट इज देयर? इट आई कुक फॉर मी राइट नाउ। कुक फॉर योर राइट नाउ। और भाई ये है मेरा मछली, चार पाँच छः मछलियाँ। ये एकदम सिटी सेंटर में ही है, मतलब जहाँ पे दो फेमस मॉस्क हैं वहीं पर खाना खाने के लिए आ गया, तो वहीं पर रह भी रहा हूँ मैं क्योंकि हॉस्टल पास में ही है। अभी जाने से पहले आपको मैं अपना हॉस्टल जरूर दिखा के जाऊँगा, बहुत अच्छा हॉस्टल है भाई मेरा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉस्टल? विंटेज। विंटेज समथिंग नाम का हॉस्टल है या। तो चलो फटाफट मैं खाना खाता हूँ, भूख लगी है बड़ी ज़ोरों से भाई। भाई खाना खाने के बाद थोड़ा धूप सेक रहा हूँ यहाँ पे, धूप में खड़ा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा धूप भी सेक रहा हूँ। बहुत ही गर्मी है भाई, गर्मी नहीं सही ठंडी है, थोड़ा ऊपर ऊपर चढ़ के बैठना पड़ा था तो ठंडी लग रही थी। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? यार कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने खा लिया, उसके कारण क्या हो रहा है ना कि थोड़ा बैठना पड़ रहा है, मतलब चलूँगा तो फिर इन्होंने निकल जाएगी, जिस रास्ते से खाया उसी रास्ते से निकल जाएगी। हालांकि यहाँ पे आपको एक दो तीन चार मॉस्क जो भी है, जैसे कि हाफ सोफिया मॉस्क हो गया या तो फिर ब्लू मॉस्क हो गया, और ये जो पूरा जो एरिया है आपको मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद आज जा रहे हैं इंडिया, फ्लाइट है एयर अस्ताना की, आपको मैं जब वो फ्लाइट लूँगा आपको अगली वीडियो में वो सब बताऊँगा कि कैसा रहेगा वो एक्सपीरियंस या सब कुछ सही है। तो भाई मैं आ गया हूँ हागिया सोफिया मॉस्क में, एंड हालांकि ये कुछ समय तक मॉस्क नहीं हुआ करता था, हालांकि कुछ समय पहले इसे कन्वर्ट किया गया है मॉस्क में। तो चलो अभी देखते हैं। वो नहीं है बड़ी कहावत, कहते हैं मंदिर ही बनाएंगे, तुर्की में ये हाल है, मस्जिद ही बनाएंगे। भाई कितने टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे, मतलब हर जगह कहीं भी देखो तो आपको टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे, एकदम भरे पड़े टूरिस्ट हैं यहाँ पे। क्योंकि बहुत फेमस प्लेस है भाई ये, आई थिंक तुर्की और इस्तानबुल का बहुत ही फेमस प्लेस होगा ये मॉस्क। आई थिंक इधर से रास्ता नहीं है, नो एंट्री, एंट्री किधर से है भाई? चलो अंदर चिता के देख ही लेते हैं, क्योंकि तुर्की आए हैं तो इसके अंदर जाना बनता है। सुना है कि अंदर से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसके नज़ारे को भी आनंद उठाएंगे। आई थिंक उधर से आपको लेफ्ट जाके एंट्री मिलेगी। यहाँ पे कुछ कैफेज़ वगैरह हैं, बहुत महंगा कैफ़े है यहाँ पे, जो आसपास का जो कैफ़े है काफ़ी ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे बच्चे वहाँ पर हैं भाई। एक्चुअली ये मॉस्क है, लेकिन मॉस्क का एंट्री मुझे मिल नहीं रही है, तो पहले ये जा रहा हूँ पहले की। तो काफ़ी प्लेस है, एंड हालांकि टिकट खरीदने के लिए एक दो तीन चार पाँच उन्होंने मशीन तो बना रखा है, बट वेलकम टू तुर्की, जो वहाँ पे मशीनें काम नहीं करती, तो आप लाइन में लगो इतनी लंबी लाइन में और यहाँ पे ख़रीदो। बस इतना महंगा भी नहीं है, 60 तुर्की लीरा का है, मतलब 300 रुपये के आसपास बनेंगे। जब भी मैं तुर्की लीरा बोला करूँ तो आप उसका 5 से गुना कर लो। नास्ते लाइन में लगी हुई है, हम लोग दो टिकट एंड इसके अंदर भी जाएंगे, या तो फिर पहले मॉस्क अंदर जा सकते हैं। मॉस्क ये रहा मॉस्क,
हागिया सोफिया मॉस्क। तो भाई हम लोग हागिया सोफिया मॉस्क में आ गए थे, लेकिन नास्तिया को अंदर जाने की इजाज़त चाहिए, तो यहाँ पे कुछ स्कार्फ वगैरह बेच रहे हैं, क्योंकि इस तरह नहीं जा सकती है, इसको ऐसे बांधना पड़ेगा, जिस तरह गुरुद्वारे में नहीं होता भाई, लेकिन गुरुद्वारे में फ्री मिल जाता है, मतलब आपको बाहर मिल जाएगा जो, तो क्या वापस से दे दो, बट यहाँ पे आपको खरीदना पड़ा। 10 तुर्की दी लगाता, मतलब 50 रुपए के आसपास। People just do like a like या लोग जैकेट खोले रखे हैं, लोग नॉर्मल, मतलब अलग अलग लोग कर रहे हैं लोग। 50 ये जो रूबल है, सॉरी 50 रूबल 50 रशियन इंडियन रुपीस सेम ही है, 50 रुपए का ये खरीदना नहीं चाह रहे हैं। You know how to do it? Just do anything, just need to cover your head. Let me try it. Здравствуйте, классно, круто. Better, you know? Better in Egypt. Почему мы говорим, что я не коллекцию? Давай, коллекцию. Нет, я не коллекцию. Давай, open inside, okay? Чало. Maybe your jacket. Ah, fuck. Давай your jacket. You want to just cover it? Да. It's cold for me, you know? My jacket, no? अगर चलो जैकेट ही बदल लेते हैं, बट वाई वी बाय पदम दवाई लाइक दिस दवाई वी विल डू समथिंग इनसाइड। जस्ट लाइक दिस एंड इट्स गुड फॉर सुपर क्या सुपर सुपर या तो मैं शॉक वेट भाई साहब यहाँ पे शादी का फोटोशूट वगैरह भी चल रहा है यहाँ पे। Who look more beautiful? चलो अब चलते अंदर, बहुत हो गई ये सॉल वगैरह, किसी एक आंटी ने इसकी हेल्प कर दी, अब चलते अंदर, बहुत सारे लोगों को खरीदना ही पड़ रहा है, मुझे भी करना पड़ेगा क्या? नहीं, लड़कों के अलाउड नहीं है भाई ये, ये तो थोड़ा मतलब लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्यों ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। भाई साहब ऑफकोर्स आपको अंदर जाने के लिए जूते खोलने होते हैं, तो मैं जूता खोल लेता हूँ, यहाँ पे जूते का बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे जूता रख लेता हूँ, आई थिंक लड़कियों का सेक्शन है, चलो लगा लेता हूँ। तो भाई उस मॉस्क के बाद मैं आ गया था इस तौपचालिक प्लेस में, मॉस्क के अंदर भाई कुछ ज़्यादा ही टूरिस्ट है, मतलब टूरिस्ट की भरमार लगी हुई थी, टूरिस्ट हर जगह भरे पड़े हुए थे, तो मैं आ गया इस पर तौपचालिक प्लेस में, काफ़ी ब्यूटीफुल सा दिखता है ये, और सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है। यहाँ पर क्या डाल रही है, व्हाट इज़ दिस? कैमोमाइल, पता है। अच्छा ये फ्लावर है, कुछ ऐसा दिखता है भाई जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस? आई लाइक द वाइब, एटमॉस्फियर लाइक इन सेंट पीटर्सबर्ग। एटमॉस्फियर, गुड एटमॉस्फियर। भाई ये मैप है अगर आप आ रहे हो, हालांकि इसके अंदर एक म्यूजियम भी है, बट मैं गया नहीं क्योंकि बहुत महंगा म्यूजियम था भाई वो, और ये आज धूप में बादल धूप में छुप जा रहा है, सॉरी सूर्य बादल में छुप जा रहा है बार बार दिन भर आज। ये टिकट ऑफिस वगैरह है, टिकट मैंने कहा था कि बहुत महंगा था। पागल प्लेस नो, ऐसे महंगा मतलब एक्सपेंसिव। जस्ट दैट ऑल व्हाट आई रिमेंबर फ्रॉम हिंदी। व्हाट यू रिमेंबर फ्रॉम हिंदी? पागल, पागल पीपल, पागल लोग। तुम पागल लड़का हो, तुम पागल लड़का हो। Like a home, भाई काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ से, ये वाला पार्ट मतलब पुराना वाला हाल है, और यहाँ से आप निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो शायद, पता नहीं शायद, और जस्ट गो टू द। तो भाई आ गए हैं बहुत ही फेमस तुर्की आइसक्रीम खाने के लिए, वो तुर्की आइसक्रीम के लिए ज़्यादा जो ट्रिक दिखाते हैं ना भाई साहब, वो जो एक लेके एक दे के जैसे ये दिखा रहे हैं। Okay.
Hold them, please. No corn. Where are you from? From Russia. Russia. Okay. Come. Yes, please. 1, 2, 3. Okay. See you. Olota! How are you, my friend? Vanilla chocolate. Vanilla. Vanilla. Are you ready? Yeah. Hold it. Yes, please. Whoopa! No corn. Yes. एक वीडियो देखा था भाई, उसमें ने उसको मिला ये खाता गया। आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा कि उसने वो ऐसे खा रहा था, इससे मुझे खाने लगा। İrem Hanım, iyi akşamlar. Have a nice day. Okay. Thank you very much. Опа! Вам давай плей ту. Почему don't play, а? Сейчас fall. No, it don't fall. 100%? Yeah. To scream, to Turkish ice cream don't fall. Да? Yeah. Thank you. You're welcome. Вкусно? Да. तो भाई चलते चलते हम लोग सी की तरफ आ गए थे। मैंने जो सामने जो देख रहे हो, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, जिस मेरे सामने जो देख रहे हो वो है यूरोप, सॉरी नहीं वो है एशिया। अभी जहाँ मैं हूँ ये यूरोप में है, और इस जो काइंड ऑफ जो सी है, जो ओशियन है, वो उसको डिवाइड करती है यूरोप और एशिया को। तो मेरे सामने जो देख रहे हो वो एशिया आ गया, उधर ही इंडिया है, उधर ही जाते रहोगे तो आपको इंडिया मिलेगा। यू नो, इंडिया के बाद बर्मा पहुँच जाओगे, बर्मा के बाद आप चाइना पहुँच जाओगे, चाइना के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ आप साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तक पहुँच जाओगे। लेकिन इस तरफ वो जो ब्रिज देख रहे हो, वो जो बड़ी वाली जो ब्रिज है, ये जो न्यू ब्रिज दिख रही है आपको, ये वाली जो न्यू ब्रिज बड़ी है, पता नहीं दिख रही होगी नहीं दिख रही, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यार सर यहाँ से देखिएगा, अरे बड़ी जो बड़ी चीज वो एक्चुअली कनेक्ट करती है इस दोनों देशों को। और ये कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है यहाँ पर, ये एक मॉस्क है, काफ़ी खूबसूरत मॉस्क है ये। वेलकम यूरोप का फॉर 10 मिनट्स, वी लेट। एक्चुअली भाई हमें अभी जाना है एयरपोर्ट की तरफ, लेट ऑलरेडी हो रखा है, हमें एयरपोर्ट की तरफ भागना पड़ेगा क्योंकि हमें इंडिया निकलना है और इंडिया की फ्लाइट मिस नहीं कर सकते भाई। पहले जाना है कजाकिस्तान, वापस से रशिया, अभी गो बैक रशिया, फिर रशिया टू इंडिया। मालदीव्स। भाई इसने मछली पकड़ लिया, दो मछली पकड़ी, मैंने एक ही गुड। यहाँ पे सारे लोग फिशिंग कर रहे हैं भाई। भाई तो वीडियो काफ़ी छोटी रही, लेकिन इस वीडियो फिलहाल इतना ही रुकाऊंगा क्योंकि मुझे अभी जाके वापस से यहाँ से मेट्रो लेके ट्रैम लेके जाना पड़ेगा सिटी की तरफ, और मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है अभी। तो अगले वीडियो में आपको सफ़र देखने को मिलेगा यहाँ इस्तानबुल से, तुर्की से लेके इंडिया का, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इंडिया, एंड देन पता नहीं क्या होता है, देखता हूँ इंडिया में क्या, इंडिया के बाद थाईलैंड वगैरह का प्लान है, वो तो बताया मैंने वीडियो में आपको। फिलहाल के लिए बाय, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दसवीं दानिया। चलो बाय 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 बाय। चलो भाई अब इंडिया चलते हैं। चलो बाय बाय, अगली वीडियो में।